हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है और यहाँ पर जैसे ही मैं टाइप करता हूँ कोई नाम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिना टाइप किया और एज है 23, तो 23 जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे अडल्ट आ जा रहा है अपने आप। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लोकेश, लोकेश टाइप किया और यहाँ पे एज कर दिया 55, तो भी यहाँ अडल्ट आ रहा है। लेकिन यही चीज यहाँ पर अगर मैं टाइप कर देता हूँ एक और नाम, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे नाजिया कर दिया एक नाम और यहाँ पर एज कर दिया मैंने 67, तो यहाँ पर अपने आप सीनियर सिटीजन आ जा रहा है। देख रहे हैं, कल इसी बात पे डिस्कस हुआ था, लेकिन एक चीज अडल्ट वाला जो है दोनों में कॉमन हो जा रहा था, तो उसके लिए आज ये है कि जो भी 18 से कम होगा उसे हम चाइल्ड की कैटेगरी में सीधा डाल देंगे। ठीक है, और 18 या 18 से ऊपर होगा वो अडल्ट की कैटेगरी में जाएगा और 60 या 60 से जो भी एबव होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा, सीनियर सिटीजन में। तो वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नाम मैं लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए रितेश, तो रितेश जैसे ही लिखते हैं और यहाँ पे हम 18 साल एज डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अडल्ट आ रहा है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरीके से इसको किया गया है उसको दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये जो है यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आई इफ लगाया गया है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो यहाँ पे लगाया मैंने आई इफ और एज को रखा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, शुरुआत में क्या रखा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर उसे कहा सीनियर सिटीजन, फिर इफ लगाया, फिर यहाँ पर इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और अदरवाइज में 18 अगर है या 18 से ज्यादा है तो अडल्ट रहेगा, अदरवाइज में चाइल्ड रहेगा। तो यही तीन कैटेगरी में ही इसे बना दिया। फिर यही चीज मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, यहाँ से चलेंगे यस करेंगे और ये एक नया टेबल हम बनाएंगे। तो यहाँ से चल के टेबल पे गए और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे, यहाँ से हम जाएंगे व्यू पर और व्यू पर जाकर के इसे कोई भी नाम हम चाहे तो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं, स्टेटस ही नाम दे देते हैं, तो इस टेबल को नाम दे दिया स्टेटस, ओके कर दिया। यहाँ पर आईडी आ रही है, अब यहाँ पे नेम आएगा और नेम क्या होगा, नेम होगा शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, और एज होगा क्या, एज यहाँ पर होगा नंबर। ठीक है, तो नंबर डेटा टाइप जो है यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है और यहाँ पर जो है क्या होगा डबल हो जाएगा, डी प्रेस किया डबल हो गया और डबल होने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको स्टेटस दे देना है, STATUS, तो ये दे देने के बाद यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। लेकिन क्या करना है, ये चूंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मिल जाता है कैलकुलेटेड, अदरवाइज में आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं और यहाँ पर आई इफ ही होता है, इफ तो होता ही नहीं है, तो आई इफ लगा लीजिए और यहाँ पर एज को ही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कर देंगे, ऐसे में हो जाएगा ये सीनियर सिटीजन, तो SER और सिटीजन लिख देता हूँ और इसे ध्यान रखिएगा कि डबल कॉमा के अंदर रखना है। ठीक है, फिर यहाँ लगाइए आई इफ और फिर यहाँ पे कहेंगे एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कहेंगे 18 हो या 18 के बराबर हो या 18 से बड़ा हो, तो ऐसे में क्या हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाए अडल्ट ADULT, फिर यहाँ पे कॉमा लगा करके अदरवाइज में चाइल्ड कर देते हैं। तो ये तीन ही कैटेगरी हमने दी है और इस तीन ही कैटेगरी में ये पूरा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ओके कर दीजिए और अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं यानी टेबल हमारी बन गई। अब यहाँ पर कोई एक नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए रितेश ही लिख लिया और यहाँ पर एज हम क्या डाल देते हैं, एज डाल देते हैं 56, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गया, अडल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप चाहे तो बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट में आपका क्या आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल डिफॉल्ट वाला सेट करने का जरूरत अभी है नहीं तो इसको ऐसे ही रखते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पर एक नाम और कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लाइक कर देते हैं सपोज कीजिए बबलू। ठीक है, तो ये बबलू कर दिया और यहाँ पे एज रख देते हैं 4, तो अपने आप चाइल्ड हो गया। लेकिन ये जो है 17 साल तक चाइल्ड ही दिखाएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कर देते हैं गौरव, तो ये गौरव जैसे ही किया है तो यहाँ पे अगर 17 साल भी एज डाल देते हैं तो यहाँ पर चाइल्ड ही रहेगा। लेकिन यही चीज 18 साल जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर ये जैसे ही 18 करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा अडल्ट, देख रहे हैं, और ये जैसे ही हम ना 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर एक और नाम देते हैं और यहाँ पर 60 जैसे ही करते हैं तो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि 60 तक ही होगा, 60 से ऊपर भी कर देंगे ना तो भी सीनियर सिटीजन ही रहेगा। देखिए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, कल वाला बात जो शायद फंस गया होगा आपका, नहीं समझ में आया होगा, ये आज क्लियर हो जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।